दिनेश कार्तिक भले ही टीम इंडिया से बाहर हो गए हो, लेकिन वो अपनी कमेंट्री के जरिए फैंस का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कार्तिक 2022 T20 विश्व कप के बाद भारतीय टीम से बाहर हो गए थे और इसके बाद से वो एक कमेंटेटर के रूप में नजर आ रहे हैं। हालांकि वो IPL 2023 के सीजन में एक बार फिर से रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इस समय कार्तिक एक बार फिर से सुर्खियों में है और वजह बेहद ही दिलचस्प है। कार्तिक ने पिछले कुछ समय में अपनी कमेंट्री से फैंस के साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी दीवाना बना लिया है, लेकिन अब कार्तिक ने खुलासा किया है कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान और भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी भी उनकी कमेंट्री के बहुत बड़े फैन हैं। कार्तिक ने RCB के पॉडकास्ट पर अपनी कमेंट्री के बारे में बोलते हुए कहा कि उन्हें MS धोनी का कॉल आया था और माही ने भी उनकी कमेंट्री की काफी प्रशंसा की है। कार्तिक ने आगे बताते हुए कहा कि मेरी सबसे बड़ी तारीफ मुझे उस व्यक्ति से मिली जिसकी मुझे कम से कम उम्मीद थी। आपको बता दें कि कार्तिक भारत के लिए बेशक दोबारा ना खेले, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ सीजन में वो RCB के लिए खेले। DK ने IPL के 2022 सीजन में 183.33 के स्ट्राइक रेट से RCB के लिए निचले मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए 16 पारियों में 330 रन बनाए थे। उन्होंने पिछले सीजन में कई कमाल की पारियां खेली थीं और RCB के लिए कई मैच भी फिनिश किए थे। इसके चलते उन्हें 3 साल में पहली बार भारतीय टीम में वापस बुलाया गया था और वो टीम इंडिया के लिए 2022 T20 वर्ल्ड कप खेलने में सफल भी रहे थे।